بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات
أوليس الذي خلق السماوات أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس قل الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم जेल सलाम पेश किए ने अपनी हाजरी पेश की ने नाना को क्या सलाम पेश किए ने थोड़े समाता के हवाले नाल गुरुदेव पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद नबी ने मज़लूम करबला दा मज़लूम करबला दा हो भी सलाम नाना वसदार भी मदीना जगते इमाम नाना मज़लूम में करबला दा मज़लूम में करबला दा मिलके पढ़ सो मज़लूम में करबला दा मज़लूम में करबला दा होवी सलाम नाना वसदार भी
मदीना जगते इमाम नाना मजलूम करबला दा अकबर जबी है तेरी बरछे दा फल जलाए बरछा छिके दे नाना नामे दा हथ हिलाए अकबर जबी है तेरी बरछे दा फल जलाए बरछा छिके दे नाना नामे दा हथ हिलाए हैरान हन फलक ते हैरान हन फलक ते मुरसल तमाम नाना मजलूम करबला दा मासूम मैदा असगर तीरां दा पानी पी गए मासूम मैदा असगर तीरां दा पानी पी गए कासम जै घोट सोना इत टुकड़े टुकड़े थी गए आबास भी वफादा आबास भी वफादा किता दिल दा नाम नाना मजलूम करबला दा तेरे दीन की ते नाना जोड़ी कुहा के आई हां तेरे दीन की ते नाना जोड़ी कुहा के आई हां करबल तू बन के तेरी मैं शाम तोड़ी गईयां खुतबे सुने भी हक दे खुतबे सुने भी हक दे कुंबे दे खास नाना मजलूम में करबला दा मजलूम में करबला आखिरी शहर अगर सुभान अल्लाह तेरी अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इजाज हुसैन कादरी साहब ते मैं हवाले करण तो पहले एक जोरदार नारा सुनो नारे तकबीर इमे नहीं जिमे अल्लाह दा नाम बुलंद है हचा के नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी और हमारे हक के सुन्नत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و حاضرین اللہ رب العزت توفیق بخشی ہے اساں امام علی مقام امام حسین رفقاء امام علی مقام شہدائے کربلا उन्हां दे ज़िक्र दी ये महफल सजाई है कोशिश होंदी है कि दोस्त अहबाब रिश्तेदार मिल करें इस प्रोग्राम को रौनक बख्शन और ये प्रोग्राम ताकि कैम और दैम रह वंजे कुछ लोग चंद लोग जड़े चंदा रला करें इसको मदद करवें देन अक्सर बेशतर नहीं तो ना असा कोई डब्बा रखा होए ना असा कोई ऐलान करें हैं
सिर्फ हिको ऐलान करने हैं, दावतनामा देने हैं भी तुसा जरूर आओ। पहली दिवार इल्ला माशाल्लाह, दूजी दिवार कुछ लोग, त्रीजी दिवार आप दे दे पैवे। क्या है अगर कोई पिंडाल दे अंदर कहें किस्मी कमी पेशी है, मैं आज जलसा नहीं पढ़ना, खतीब आंदे पैन वो खिताब करे से, कहें किस्मी कोई तो आपको रुकावट बन दिए कमी पेशी है तो जरूर दसाओ असो हल कर रहे। छी राती तू पांच राती आ गई, अगर मजीद तू साथ वे के एक दू रात रखो बस मुहर्रम ते असा इो कोई जिक्र सुन सकते हैं, मजीद कम कर रहे। शर्त है कि अहले इलाका तावन नहीं करें दा आवन दी वजह, पैसे दी कमी नहीं सकूं, कोई देवे ना देवे गर्ज इस गल नहीं, अहले इलाके ते अरमान इस गल दे के इसको मजाक समझा हो। आखिरी रात जिना जिना लोगों बिरादरी दे खास कर ओ बिरादरी भुगतान जी मैं शादी ते वेंदे ना बेकांड आई दिते ते असा वंजना है फिलहाल निहार, हालांकि सदा पंज निहारी दा होंदे, आखिरी रात आसन सारी हाजरी साल दी थी गे, चलो कोई गल नहीं असें खुश थी गे। बहरहाल ये जिक्र हुसैन दी महफल है और इसी तरह साढ़े नाल तामो रह गया, तवल आखिर हर बंदे दा दिल होंदे अरमान लगदे, असा चाहते हैं इस इलाका दे अंदर रात दे वक्त मेरे अंदाजे पांच पांच छः छः किलोमीटर ते या दह मील ते दिखा रात दा प्रोग्राम और मुसलसल प्रोग्राम जिले च कितें होवे ये तुहाडे वास्ते सजाया वेंदा पी है। और इस वक्त असा कोशिश ये करेंदे हैं अगो आवाम होवे ना होवे खतीब को असा बिल्हा देने हैं ताकि साडा प्रोग्राम तसलसल नाल चलता रहे वंजे, कोई ये ना आखे यार ये तो बड़ी देर कर देने लेट कर देने हालात खराब हैं। कोशिश करें दे हैं खतीब को, हर खतीब को साथ दें घंटा बस काफ़ी है सारे बस, अगर वो सवा घंटा या डेढ़ घंटा करें दे उनकी अपनी मर्जी होती है, हर बंदे का अपना टॉपिक होंगे, हर बंदे का अपना एक जहन बना हुआ होंगे, वो मजमून बनाया हुआ होंगे, तो इस वास्ते भरपूर कोशिश की थी करो आवण दी। इमाम अली मकाम दे जिक्र दी महफल है और इसकी जजा कल कयामत दी निहार तो आपको पता लग सी कितनी जजा है इमाम अली मकाम दे जिक्र दी महफल दी। एक रिवायत दे अंदर आंदे कल कयामत दी निहार जनाब सैयदा फातिमा तु जहरा सलामुल्लाह अलैहा रदियल्लाहु ताला अन्हा आका अलैहि सलातु वस्सलाम दी साहबजादी मैदान महशर दे अंदर आसी, यकायक आवाज आसी, इतना प्रोटोकॉल किसे दी बेटी वास्ते ना हो सी, चाहे सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी रूए जमीन दी बादशाही दी गई मगर बरोजे महशर खातून ने जन्नत वासे आखा वैसी, ऐ अहले महशर अपने अखा बंद कर गिनो फातिमा तु जहरा सलामुल्लाह अलैहा दा गुजर है, खातून महशर दा गुजर है, खातून जन्नत दा गुजर है, सब अखा बंद कर गिनसन, मुनादी निदा देसी अपने सर झुका गिनो, इस प्रोटोकॉल दे नाल जनाबे सैयदजादी दा गुजर हो सी और उस गुजर तो बाद आप कित्था वैसन अल्लाह दी बारगाह दे अंदर पहुंचसन, अल्लाह दी बारगाहे
ਹਨ ਖਤੀਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਉਸਤਾਦੁਲ ਉਲਮਾ ਉਸਤਾਦੁਲ ਮਦਰਸੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਦੀਨ ਕਾ ਆਇਨ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਲੀਏ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲੇ ਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਾਂ ਪੜਸਾਂ ਦੀਨ ਕਾ ਆਇਨ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਲੀਏ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਜ਼ਮਤ ਓ ਅਜ਼ਮ ਕਾ ਸੁਲਤਾਨ ਲੀਏ ਬੈਠੀ ਹੈ ਐਸਾ ਕੁਰਾਨ ਜੋ ਜਿਬਰੀਲ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ऐसा कुरान जो जिब्रील का मोहताज नहीं सईदा गोद में उठाए बैठी है सईदा गोद में उठाई बैठी है कि अली का इश्क तो मुकद्दर संवार देता है अली का इश्क तो मुकद्दर संवार देता है अली का बुग्ज तो चेहरा बिगाड़ देता है तो उसके जिक्र को अदना न समझ मुनकर अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है इस जनाली खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इजाज हज़रत अल्लामा मौलाना इरशाद ज़ीशान कादरी साहब माशाल्लाह जो के स्टेज दी ज़ीनत हैं उन दे मेक हवाले करण तो पहले एक जोर दा नारा सुनो नारे तकबीर माई होले नारा लाए तो सही होले जवाब देते नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह قال الله تبارك وتعالى औऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम إنك لا تسمع الموتى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذي رحمتك النظر برحال زارم يا رسول الله غريبم بنوايم خاك سارم يا رسول الله आलम बेचारगी है गम का चारा चाहिए या रसूल अल्लाह आपका हमको सहारा चाहिए ना कोई अमल है सुनाने के काबिल ना मुँह है हमारा दिखाने के काबिल लगाते हैं उसे भी आका सीने से होता नहीं जो मुँह लगाने के काबिल वो तशरीफ़ लाए ये उनका करम है वरना ये घर कहाँ था उनके काबिल वरना ये घर कहाँ था उनके काबिल ली खमसतुन नुतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अलमुस्तफ़ा वलमुर्तज़ा वबनाहुमा वलफातिमा मोहब्बत के साथ अकीदत इश्क और लगन के साथ प्यार और मुवद्दत के साथ इस यकीन और तयक्कुल के साथ दुरुद पाक का नजराना पेश करें यकीन कामिल जो हो आप और मैं दरूद पढ़ते हैं मदीने के ताजदार हमारा दुरूद सुनते भी हैं और हर पढ़ने वाले आशिक को पहचानते भी हैं बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए एक गुजारिश करना चाहता हूँ ये एक ट्रेंड बन चुका है कि जब खतीब हो या कोई नकीब हो या कोई सनाखा हो उसको कहना पड़ता है कि आप दुरूद पढ़ दें हालांकि ये बहुत बड़ा जुल्म है ये क्या बात हुई पढ़ने वाला उम्मती है जिस पे पढ़ा जा रहा है वो नबी है और उम्मती से कहना पड़े कि आप दुरूद पढ़ें दुरूद कोई खैरात थोड़ी है दुरूद खैरात नहीं है दुरूद उसका फजल है ये जिसके नसीब में आ जाए ये उसका फजल होता है तो इसके लिए कहना तो चाहिए ही नहीं ये बनता नहीं है बस ये एक आदत बन गई है तो दुरूद पाक जब बात हो तो बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ा करें
अगर आपकी जुबान में लैया में इसको बुलंद आवाज से कहते हैं तो अगर मैं ऐसा कहूं तो पता नहीं आप किस आवाज से पढ़ेंगे, आपकी मुझे आवाज आए जरा, आप बुलंद आवाज से जरा पढ़ेंगे तो नहायत वजीबुल एहतराम मौजूद मोहतरम सामिने कराम मुकर्रम मोहतशम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ो करम है जिसने आपको और मुझे तौफीक बख्शी, आप और मैं पाँच रोज़ा शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। आज चौथा रोज़ है इसका, इसके मुंतज़िमीन, इसको सजाने वाले मोहतरमुल मकाम जनाब इज़्ज़त वाब मोहम्मद इमरान हुसैन थिन साहब, मकबूल हुसैन साहब, मार सईद अहमद कादरी साहब और कारी मोहम्मद एजाज साहब और दीगर नौजवानों ने लिया और नौजवानों ने तहरीक मिनहाजुल कुरान व जुमला फोरम्स के जितने भी रुफका और दोस्त जिन्होंने इसमें काविश की, जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा मिलाया, अल्लाह सब के अहतमाम को अपनी मुकद्दस बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह सब की काविशों को अपनी मुकद्दस बारगाह में दर्ज कबूलियत अता फरमाए। हुजूर के लाडले शहजादों की, जिक्र पाक की महफिल को सजाने वालों के घरों को अपनी रहमतों से सजा दे, बरकात से सजा दे, खुशियों से सजा दे। दोस्तों, मौसम की नज़ाकत भी आप समझ रहे होंगे और वक्त के दामन भी इतनी गुंजाइश नहीं है और जिस तरह मुझे हुक्म किया गया है उस हवाले से चंद लम्हात आपके साथ गुफ्तगू के हैं, तो कोशिश करें। कुछ गुफ्तगू होती है जिसे सुना जाता है और कुछ गुफ्तगू होती है जिसे महसूस किया जाता है। सुनने वाली गुफ्तगू और होती है, महसूस करने वाली और होती है। सुनने के लिए कुछ और होता है, महसूस करने के लिए कुछ और होता है। समटाइम ऐसा होता है कि आपसे कोई बात कर रहा होता है और आपकी तवज्जो नहीं होती, और समटाइम ऐसा होता है कि कोई बात बहुत आहिस्ता कर रहा होता है और बड़ी तवज्जो से आप कान लगा के सुन रहे होते हैं। ये जो बात करता है और आप कान नहीं धरते, उसे नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, ये होता है आप बात सुन रहे हैं, क्या बात सुन रहे हैं लेकिन महसूस नहीं कर रहे। और एक होती है कि कोई किसी के लहजे में इतनी आयस्तगी होती है, शाइस्तगी होती है, वो बड़े धीमे लहजे में बात कर रहा होता है और आप कान लगा के उसको तवज्जो से सुनते हैं, ये बात अब सुन रही होते हैं या आप बात महसूस कर रहे होते हैं। आज की गुफ्तगू सुनने वाली कम होगी और महसूस करने वाली ज़्यादा होगी। और क्योंकि मुझे करबला के वाकयात की तरफ इशारा दिया गया है तो मेरी आदत है मैं तब तक वाकयात की तरफ नहीं आता जब तक मजमे के अंदर सुनने वाला वो ज़ौक ना हो। सुनने के लिए हुसैन, सुनने के लिए बंदे का हसीन होना ज़रूरी है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, हुसैन सुनने के लिए बंदे का हसीन होना ज़रूरी है। अच्छा, हज़रत इमाम हसन का नाम हसन नहीं था, जब आपकी विलादत हुई तो हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत तशरीफ लाए, फरमाया अली मुबारक को क्या नाम रखता है, मा सम्मई तुम, कौन सा नाम रखा। अर्ज की या रसूलल्लाह मैंने नाम रखा है जाफर। क्या नाम रखा है? जाफर। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसका नाम जाफर नहीं होगा बल्कि इसका नाम होगा हसन। जब हुसैन की पैदाइश हुई तो फिर हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया अली मुबारक हो क्या नाम रखा है, या रसूल्ला इसका नाम रखा है हमजा। एक रिवायत में शब्बीर और शबर, और इस रिवायत में जो मैं कोट कर रहा हूं या रसूल्ला नाम रखा है हमजा। हुजूर ने फरमाया नाम इसका हुसैन होगा। अब मौला कैनात फरमाते हैं या रसूल्ला मैंने अपने अबाउ अजदाद के नाम पर नाम रखे थे, वो दिलेर थे, बहादुर थे, इसलिए नाम रखे थे। आका नाम बदलने की कोई खास वजह है? फरमाया हाँ, ये नाम अली मैंने नहीं बदले बल्कि खुदा ने बदले।
हाथ उठा के नारे का जवाब दें। फरमाया अली ये नाम अल्लाह ने बदले हैं। जानी जिब्रीलुन, अभी मेरे पास जिब्रील आया और अर्ज की या रसूल अल्लाह हसन होगा नाम, हुसैन होगा नाम। अब तवज्जो से सुनिएगा, मुस्तफा फरमाते अली अरब की दुनिया में आज से पहले ना तो किसी का नाम हसन था ना हुसैन था, अरब की दुनिया में। अब मौला कहना अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर अरब में नहीं था तो फिर ये नाम कहां से आए? अब हुजूर फरमाते अली ये नाम जन्नत से आए। अब मौला कहना अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फिर ये जन्नत में किसी के नाम होंगे? जन्नत से आए हैं तो किसी हूर का नाम होगा, किसी फरिश्ते का नाम होगा? ना ना, मेरे मुस्तफा ने फरमाया इन्नल्लाह हजाबा। मैं तर्जमा करने लगा हूं, आलिया ने लिया आखिरी फर्द तक, स्टेज से लेकर आखिरी फर्द तक, अगर कोई आंख या कोई हाथ या कोई जुबान अगर मेरी समातों मेरे हिसाब के साथ समात न कर सकी मुझे दुख होगा। मैं चिश्तियां तक आपके लिए दुआ गो नहीं रहूंगा, मुझे दुख होगा, तकलीफ होगी। फरमाया अली इन्नल्लाह हजबा, अल्लाह ने ये दोनों नाम अपने हुस्न के पर्दे में छुपा रखे थे। ये सिर्फ अरब में नहीं बल्कि जन्नत में भी कोई नहीं जानता था हसन कौन है, हुसैन कौन है, हुसन के पर्दे में छुपा रखे थे। अब सुनिए, इन दोनों नामों का मजमू है अल हुसना। क्या मजमू है जी? अल हुसना। हसन भी हुसना से निकला है जी, और हुसैन भी हुसना से निकला है। अच्छा, हसन जो है ये उर्दू में पढ़े तो हुसन है, बुलंद आवाज। अगर उर्दू में हसन को पढ़े तो क्या है? हुस्न है, क्योंकि हसन अरबी का लफ्ज है, ये अहसन से है। बुलंद बुलंद आवाज से जरा, ये हुस्न है। अगर हुसैन को उर्दू में पढ़े तो ये हसीन है, हुसैन को। अब सुनिए, खूबसूरती की तारीफ हुस्न से शुरू होती है, हसीन तक खत्म हो जाती है। सारे का सारा हुस्न इनके दरमियान है, सारे का सारा हुसन इनके दरमियान है। अब सुनिए, दोनों नाम ये मजमुआ है अल हुसना का। अल हुसना क्या है? अब जरा सुनिएगा, मैं उम्मीद करता हूं आप कुरान सुनने वाले हैं, क्योंकि आप मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म पे आए हैं, आप मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म। यहां ये रिवायत है कि यहां कुरान सुनाया जाता है या कुरान समझाया जाता है। अब सुनिए, अगर उम्मत कुरान से जुड़ जाए ना, कुरान से जुड़ जाए तो कभी ये जवाल का शिकार ना हो। वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, इकबाल ने कहा वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। आज जो जलालत जो हमारा मुकद्दर बनी हुई है, इसकी एक ही वजह है कि हम कुरान से दूर हैं। तवज्जो से सुनिएगा, अल हुसना क्या है मालिक? हुसना क्या है मेरे बंदे? कुरान नहीं पढ़ा मालिक, पढ़ा है फिर पढ़, कहां से पढ़ूं? फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। बुलंद आवाज जरा, हिम्मत करें, हिम्मत करें, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। अभी तक पता नहीं चला ये हुस्ना, ओए ये मेरे नामों का हुस्न है, ये मेरे नाम का हुस्न है जो हसन व हुसैन को अता कर रखा है। अच्छा चिश्ती साहब, मेरे इस जुमले पर हर बंदा खुद ब खुद बोलेगा, मुझे कहना नहीं पड़ेगा। अल्लाह ने इंसान के लिए जो कुछ बनाया ना, जमीन व आसमां, शजर व हजर, तहत व फौक, बहर व बर, जमीन व आसमां, फलक, आसमां, तारे, शजर, हजर, तहत, फौक, आलमे आला, आलमे बाला, आलमे बरजख, आलमे जिन्स, आलमे इंस, आलमे याकूत, आलमे हाहूत, कुल कायनात जो कुछ बनाया है, सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी जो चीज अल्लाह ने बनाई है वो है जन्नत। क्या जी, क्या जुमला बोला? सबसे अच्छी, सबसे आला और सबसे खूबसूरत और सबसे महंगी जो इंसान के लिए बनाई है वो क्या है? जन्नत। भाई नमाज किस लिए पढ़ते हैं? जन्नत के लिए। रोजा किस लिए रखते हैं?
जन्नत के लिए। हज किस लिए करते हैं? जन्नत के लिए। ये महफल किस लिए सजाई है? जन्नत के लिए। और जिस जन्नत के लिए मारा मारा फिरता है ना, ये सबसे महंगी है जो इंसान के लिए बनाई है। इसके सरदार कौन है? इसके सरदार कौन है मुझे ये बताएं। जब सबसे हसीन चीज ये है तो सरदार क्या हुए? सरदार क्या हुए? सरदार सिर्फ जन्नत के ना हुए सोना, सरदार हुसन के हुए। ये सिर्फ जन्नत के सरदार नहीं, ये हुसन के सरदार हैं। ये थी मेरी तमीदी गुफ्तगू। मैं अब अपने मौजू की तरफ पलटना चाहता हूँ। फलसफे शहादत मैंने शुरू करना है। तवज्जो है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। खबरदार, तकूलू नहीं कहना, नहीं कहना, खबरदार नहीं बोलना। क्या जी? नहीं बोलना। फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो मेरी राह में मारा जाए, मेरी राह में मारा जाए। बल अहजाउं वला किल्ला तशुरून, बल्कि वो जिंदा है। यह है वो तर्जमा जो आप सुन चुके हैं, जो आप सुनते आ रहे हैं। मैं अपने अंदाज के हिसाब से हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम का फैज आपकी झोलियों में डालना चाहता हूं। फरमाया, मुर्दा नहीं कहना। क्या नहीं कहना? मुर्दा नहीं कहना। और आगे फरमाता है, अहयाउं वला किल्ला तशुरून, ये जिंदा है और तुम्हें इसकी जिंदगी का शऊर भी नहीं। ये जिंदा है, तुम्हें शऊर भी नहीं। वैसे अजीब बात नहीं हो गई? कौन सी ये जिंदगी है जिस जिंदगी का शऊर जिंदों को नहीं, जिस जिंदगी का शऊर जिंदों को नहीं? तवज्जो कीजिएगा, ये कुरान की एक आयत है। अब दूसरा पहलू लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका ला तुस्मियुल मौता। फरमाया, महबूब ये तेरी बात नहीं सुनते, ये मुर्दा है। ये तेरी बात नहीं सुनते, ये मुर्दा है। चिश्ती साहब जरा आप आगे हो जाएं, मुझे नजर आएं। इमरान भाई किधर हैं? आप भी जरा ऊपर आ जाएं, मेरे पास आ जाएं। ये तेरी बात नहीं सुनते, ये क्या जी? मुर्दा है। अब ये बात किसके लिए हो रही है? मेरे मुस्तफा ने अबू जाल से कहा कलमा पढ़, उसने इनकार कर दिया। हुजूर ने फिर फरमाया कलमा पढ़, उसने फिर इनकार कर दिया। हुजूर ने फिर फरमाया कलमा पढ़, उसने फिर इनकार कर दिया। जिब्राइल अमीन आ गए, इधर से इकरार उधर से इनकार, इधर से इसरार उधर से इनकार, इधर इसरार होता रहा उधर इनकार होता रहा। इसी असना में जिब्राइल अमीन आ गए। सुनिएगा, मैं जान लूंगा कि आप कुरान कितना सुनना जानते हैं। फरमाया, महबूब ये तेरी बात नहीं सुनते, बुजुर्गों आपसे लेकर आखिरी बंदे तक, मुझे इतनी बात का जवाब दें। अगर वो बात सुनते नहीं थे तो इनकार कैसे करते थे? इनकार कर, आखिर बात सुनते थे तो इनकार करते थे। बात हुजूर फरमाते कलमा पढ़, वो ये बात सुन के कहता था नहीं पढ़ना, वो इनकार करता था। लेकिन कुरान कहता है, महबूब ये तेरी बात नहीं सुनते। मालिक क्यों नहीं सुनते? फरमाया, ये मुर्दा है। आए हाय, बोले बुलंद आवाज से जरा, मैं जिंदगी और मौत को जरा वाजे करना चाहता हूं। जिंदगी और मौत क्या है? जिंदगी मौत किसे कहते हैं? जिंदगी क्या है और मौत क्या है? क्या खाने पीने उठने बैठने का नाम जिंदगी है, या चलने फिरने का नाम जिंदगी है, या मर जाने का नाम जिंदगी है? हाँ, ये वाजे होने वाला, तवज्जो कीजिएगा। फरमाया, ये तेरी बात नहीं सुनते, ये मुर्दा हैं। अब मैंने सवाल किया, मौला मुझे तो तेरी बात की समझ ही नहीं आई। जिसका धड़ अलग है, सर अलग है, खून के फवारे निकल रहे हैं, खून की नदियां बह गईं, जुबान बंद है, सांसों की रवानगी बंद, हाथ हरकत करना बंद, पांव हरकत करना बंद, अब वो बोलना बंद, तू फरमाता है ये जिंदा है, और एक तरफ खाता पीता उठता बैठता चलता फिरता जिंदगी के मामलात करता, हंसता मुस्कुराता रोता वो चलता फिरता, तू फरमाता है ये मुर्दा है। मुझे तो समझ कोई नहीं आई। जो जिंदा है उसे तू मुर्दा कहता है, जो मुर्दा है उसे तू जिंदा कहता है। मालिक फिर जिंदगी क्या है, मौत क्या है? कौन समझना चाहता है जिंदगी और मौत को? हाथ खड़ा करे जरा, हाथ नीचे ना हो, बुलंद बुलंद हाथ करे जरा, मुझे नजर आए सर, हाथ हाथ बुलंद करके दिखाएं। हाथ कितने बुलंद है? याद रखिएगा, जो हुसैन के नाम पे हाथ बुलंद करता है ना, उसका मुकद्दर बुलंद होता है। हाथ बुलंद करें जरा,
तवज्जो है मालिक, फिर जिंदगी क्या है, मौत क्या है, तू जिंदा किसे कहता है, तू मुर्दा कैसे कहता है? उसने कहा मेरे बंदे, जिंदगी खाने पीने का नाम नहीं, जिंदगी उठने बैठने का नाम नहीं, जिंदगी चलने फिरने का नाम नहीं, जिंदगी जिंदगी के मामलात करने का नाम नहीं, जिंदगी हंसने मुस्कुराने का नाम नहीं, जिंदगी बोलने चलने का नाम नहीं। मौला फिर जिंदगी क्या है, मौत क्या है? उसने कहा जिंदगी यार से वफा का नाम है। ओए जो यार से वफा करे वो मर कर भी जिंदा, और जो यार से गद्दारी करे वो मर कर भी जिंदा होके भी मुर्दा। जिंदगी का दूसरा नाम यार से वफा, जिंदगी का दूसरा नाम वफाए मुस्तफा, जिंदगी का दूसरा नाम इश्के मुस्तफा, ओए जिंदगी का दूसरा नाम मोहब्बत मुस्तफा, जिंदगी का दूसरा नाम तड़प मुस्तफा, जिंदगी का दूसरा नाम लगन मुस्तफा। जिसके दिल में इश्क आ जाए, मोहब्बत आ जाए, उल्फत हो जाए, जिसको दिल में दिल लगी आ जाए, ओए जिसका दिल यार की तरफ झुक जाए, गर्दन कट जाए फिर भी नहीं मरने देते, फिर भी मरने नहीं देते, फिर भी मरने नहीं देते। अब सुनिएगा, हजरत इस्माइल हक्की फरमाते हैं, मैं तहकीक कर रहा था तो तफसीर लिखते हुए एक रात में परेशान हुआ कि हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन को मौत आती है तो तकलीफ नहीं होती। इस तकलीफ से अगर आप बचना चाहते हैं ना, जरा बुलंद आवाज से बोल के दिखाएं, जब तकलीफ मौत आती है तो तकलीफ नहीं होती। फरमाते मैं परेशान हुआ कि मैंने अपनी आंखों से देखा है जिसको मौत आती है उसकी जान को लाले पड़ते हैं, वो तड़पता है, मचलता है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं तकलीफ नहीं होती। अब हुजूर के फरमान पे जिन जान कुर्बान है, लेकिन क्योंकि तहकीक का काम है तो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखूं, तजर्बा लिखूं या यार की बात लिखूं, यार की बात लिखूं या तजर्बा लिखूं? फरमाते हैं परेशान हुआ, परेशानी के आलम में हुजूर पे दुरूद पढ़ना शुरू किया। इस्माइल हक्की ने आपको अकीदा दिया, जब परेशान हो जाओ तो दुरूद पढ़ो। क्या पढ़ो? तवज्जो, दुरूद पढ़ना शुरू किया। एक रात, दूसरी रात, तीसरी रात, रात को आंख लगी, यार आ गए, तशरीफ ले आए। कदियाओ गरीबां दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह, ये मेरा अपना शौक है, जरा हाथ उठा के बोले, कदी आओ गरीबां दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह, इन्ना शिकाने तेरे राने मल्ले या रसूल अल्लाह। हुजूर तशरीफ ले आए, जब खाम में आए ना मेरे मुस्तफा, आका फरमाने लगे, क्या परेशानी है या रसूल अल्लाह, परेशान हूं। आका आप फरमाते हैं मेरे आशिक को जब मौत आती है तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है लोग तड़पते हैं, जान को लाले पड़ते हैं, बड़ी अजीब कैफियत होती है। हुजूर ने फरमाया तकलीफ होती है लेकिन महसूस नहीं होती। बस मेरे सारे खिताब का एक ही निचोड़ है, यही जुमला, तकलीफ होती है, ऊंची बोलें, तकलीफ होती है महसूस नहीं होती। यह नहीं है कि तकलीफ नहीं होती, तकलीफ होती है पर पता नहीं चलता। या रसूल्ला क्यों नहीं चलता? मेरे आका ने फरमाया कल सूरह यूसुफ पढ़ लेना, पता चल जाएगा। सोने वो तो पहले कई बार पढ़ चुका हूं, आगे करम नवाजी फरमाए, फरमाया यहां से पढ़ना, कत्ता ना आई दिया हुन्ना, यूसुफ गुजरे मिस्र की औरतें फल काटती हुई, कुरान कहता है कि वो फल काटती काटती हाथ काट बैठी, तवज्जो से हाथ काट बैठी। मुजूर फरमाते हैं जब हाथ कट रहे थे ये नहीं था
कि उनको तकलीफ नहीं हो रही थी। या रसूलल्लाह जब तकलीफ हो रही थी तो हाथ काटे क्यों? आका फरमाते हैं दरअसल सामने हुस्न यूसुफ था, हुस्न यूसुफ में वो देख के मदहोश हो गई, बेहोश हो गई, बेखबर हो गई, पता ना रहा वो इस जहां में है या किस जहां में है। हाथ कटते रहे लेकिन तकलीफ महसूस ना हुई। ओए मेरे आशिक मुझे यह बता, अगर यूसुफ को देख के हाथ कट सकते हैं और जब मेरे आशिक को मौत आती है ना और सामने मैं आ जाता हूं, जब मैं आता हूं मेरा आशिक मुझे तकता है, बेहोश हो जाता है, मदहोश हो जाता है, बेखबर हो जाता है, पता नहीं चलता वो इस जहां में है या किस जहां में है। हाथ कटते रहते हैं, गर्दन कटती रहती है, खून निकलता रहता है, लोग समझते हैं खत्म हो गया लेकिन वो तो हमारे इश्क में जिंदा हो रहा होता है। तवज्जो कीजिएगा, एक जुमला बोल के मैं बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। बच्चा जब पैदा होता है रोता है या हंसता है? ऊंची बोलें, रोता है। तो बच्चे का बाप 30 साल के बाद अल्लाह बेटा दे तो बाप मिठाइयां तकसीम करता है, पुत्र रोता है? हाँ, जरा जरा मुस्कुरा के बोले मैं आके आपको ले जाऊंगा, जहां मुस्कुराने की हिम्मत नहीं रहेगी। या सिर्फ जुमला सुन लें, फरमाया बेटा जब पैदा हो 30 साल के बाद अल्लाह औलाद दे, बाप मिठाइयां तकसीम कर रहा है, बाप लोगों को जफियां डाल रहा है, खुशी से झूम रहा है, वो खुशी से पागल हुआ पड़ा है, बेटा रो रहा है। अब वही बेटा जवान हुआ, फौत हो गया, बेटा हंसता है, बाप रोता है। आपने कभी तवज्जो नहीं की तो मैं इसमें कसूरवार मैं थोड़ी हूं। आप अगर तवज्जो कर लेंगे जुमला आपके दिल पर लगेगा, घर कर जाएगा और निकलेगा सारी जिंदगी नहीं। ये शेखुल इस्लाम के नौकर का वादा है आपसे। आप जरा हाथ खड़ा करके बस इतना बता दे, तवज्जो से सुन रहे हैं ना, पैदा हुआ बाप हंसता है, बच्चा रोता है, आज फौत हुआ बाप रोता है, बच्चा हंसता है। बात की समझ नहीं आई, क्यों ऐसा क्यों हुआ है? जवाब आया, आलमे अरवा में जब था यार को तकता रहता था, यार के इश्क में रहता था, उसकी मोहब्बत में रहता था, जब यहां दुनिया में आंख खोली फानी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, यार नजर ना आया ये रो रहा था, और जब मौत करीब आई यार सामने आया, अब सारे रोते हैं ये हंसता है, क्योंकि इसे पता है सबसे जान छूट गई है, जिसके लिए आया था वो सामने आ चुके। अब इस बात को जरा वाज़े कर रहा हूं, मैदाने करबला सज गया, धज गया, इमाम हुसैन लजपाल मैदाने करबला में खड़े हैं, 6 माह का बच्चा, 6 माह का शहजादा है। अगर आप थोड़ी देर के लिए मुताला करें ना खैमे जैनब का, सोने लग पता जाए, खैमे जैनब सैयदा जैनब सलामुल्लाह अलैहा में क्या मंजर है। अली अकबर जमीन पे लेटे हुए हैं, जैनुल आबिदीन जमीन पे लेटे हुए हैं, खान वादा रसूल जमीन पे लेटा हुआ है, एक बच्चा है जिसे झूले में लिटाया हुआ है, जिसके लिए पंगूड़े का एहतमाम किया गया है। आशिकों ने कहा जब सारे जमीन पे लेट रहे थे तो इस बच्चे के लिए पंगूड़ा क्यों? तवज्जो है, इसके लिए पंगूड़ा क्यों? जवाब आया पता क्यों? इसलिए अगर इस बच्चे को जमीन पे लिटा देते तो इस्माइल का पोता है, ये इस्माइल का पोता है, दादा जमीन पे एड़ियां रगड़े तो आबे जमजम, बुलंदवा से अगर दादा जमीन पे एड़ियां रगड़े आबे जमजम निकल आए, अगर आज पोते ने भी एड़ियां रगड़े थी तो ऐसा ना हो कि यहां से भी आबे जमजम निकलना शुरू हो जाए। सुनिए मेरे हुसैन को पानी का ताना देने वालों के लिए ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं, मुझे बताएं अगर पानी की जरूरत होती, अगर इस्माइल की एड़ियों से पानी निकल सकता है तो फिर अली असगर की एड़ियों से क्यों नहीं निकल सकता?
सवाल यह है फिर लिया क्यों नहीं, पानी लिया क्यों नहीं? जवाब आया रदियल्लाहु ताला अन, उसकी रजा में राजी है, वो इनकी रजा में है, ये उनकी रजा में है, क्योंकि यार चाहता था पानी नहीं पीना। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, क्यों यार ये क्यों चाहता था ये भी सुन लें, यार ये क्यों चाहता था? पानी का मोहताज होना यह है कमजोरी। आए बुलंद आवाज से, यह है नक्स। उसने ऐलान किया था, यह क्या बात हुई, यह क्या बात हुई, जमाने वाले भी मांगे और आप भी मांगे, ये क्या बात हुई, जमाने वाले भी पानी के लिए तड़पे और आप भी पानी के लिए तड़पे। ओए पानी के लिए आप नहीं है, पानी आपके लिए, पानी आपके लिए बनाया है। जमाने वाले वो पानी के मोहताज हैं, लेकिन पानी आपके दर का मोहताज है। अल्लाह ने कुल कायनात में जितना भी पानी दिया, आबे जमजम जैसा कोई नहीं। हाथ उठा के, हाथ उठा के सुनिए, इस पूरी महफल का सबसे वजनी जुमला है, आबे जमजम जैसा कोई पानी नहीं जमीन पर, उस पर हुकूमत है इस्माइल की, और जन्नत में सबसे आला पानी है आबे कौसर, और उस पर हुकूमत है हुसैन की। अब सवाल पैदा होता है, मुझे यह बताएं, जिनके पास फॉर्चूनर हो वो कभी किसी मेहरान का मोहताज नहीं हो सकता। फॉर्चूनर जो खड़ी है वाफिर मकदार में खड़ी हैं, तेल की कमी नहीं, साहिब इख्तियार हैं, अरबाब इख्तियार हैं, तवज्जो है, अरबाब इख्तियार हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी? तो जो आबे कौसर के मालिक हों, हाय हाय हाय, आबे कौसर के मालिक हों, तवज्जो, जमीन पे ने लिटाया, पंगूड़े में रखा, प्यास देखी। शायद कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किताबें नहीं जिंदगी सिखाती है। चिश्ती साहब, प्रोग्रामों से थकावट होके जब घर जाते हैं तो बड़े थक जाते हैं। मैं जब से इस फील्ड में आया हूं तो दो ही भाई हैं, छोटा भाई मेरे साथ होता है, इसको मैं एक बात समझाता हूं, एक बात इसको समझाई थी और हमेशा इसको बार बार याद दिलाता रहता हूं, मां बाप जैसी दौलत कोई नहीं। इमरान भाई, कभी भी दरवाजा खटखटाने की भी गुंजाइश नहीं होती। रात के 2 बजे भी लौटें तो वालिद ग्रामी जाग रहे हैं। इस खिताब से पहले वालिद ग्रामी का फोन, इससे पहले जो खिताब किया उनसे पहले उनका फोन, हर खिताब से पहले उनका फोन। खिताब से पहले हौसला देते हैं और खिताब के बाद शाबाश देते हैं। बाप कौन बन सकता है यार, ये तो बेटा बदबख्त है जिसे पता ही नहीं चलता, जिस बाप ने हमारी खातिर अपनी कमजोर को टेढ़ा कर दिया, जिस बाप ने हमारी खातिर अपनी कमर को टेढ़ा करवा दिया है, जिस बाप ने हमारी खातिर अपनी सेहत को लुटा दिया है, जिस बाप ने हमारी खातिर अपनी दौलत को लुटा दिया है। अच्छा, मेरी जिंदगी में बड़े ऐसे बाप मैंने देखे हैं, बड़े खुददार होते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, भूखे सो जाते हैं, लेकिन जब बेटे की नौकरी का मसला आता है ना तो कई MPA MNO के डेरों के धक्के खाते हैं, खुददारी भेज देते हैं। बंदे का सबसे बड़ा सबसे कीमती असासा इज्जत और वकार होता है, लेकिन बाप अपना वकार बेच देता है औलाद की खातिर। ये बदबख्त है जिसे पता नहीं चलता। याद रखिएगा, इस दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त बाप है। कभी भी मौका नहीं मिला, जाते हैं दरवाजा खुला है, और जू ही जाता हूं हाथ चूमता हूं तो सारी थकावट दूर। वालिद ग्रामी का हाथ चूमना, असल में हम आले सुन्नत की डायरेक्शन गलत हो गई है। या पीर साहब को आ जाए सारी महफल खड़ी हो जाएगी, ते किसे दा अब्बा आ जाए परवाह कोई नहीं। याद रखिएगा, ये जो शेर सुल्तानुल आरिफीन ने लिखा है ना, मुर्शिद दा दीदार मैनू लख करोड़ा हज्जा, ये इस मुर्शिद की बात नहीं है। ये सयाह को सबाक देखें, सयाह को सबाक, ऊपर वाले शेर देखें, नीचे वाले देखें, ये बात है आका की। आए हाथ हाथ खड़ा करें, ये बात है मेरे आका की,
ये उनकी बात हो रही है, तवज्जो, ये उनकी बात है। लाख करोड़ हज्जा, लेकिन मुस्तफा के बाद अगर किसी को तकना हाथ जाए तो वो वालिद है, वो बाप है। अब ये हदीस है, तवज्जो है यार, पीर के हाथ चूमे जा सकते हैं, बाप के क्यों नहीं? पीर के पांव दबाए जा सकते हैं, बाप के क्यों नहीं? पीर के लिए उठा जा सकता है, बाप के लिए क्यों? हम मुर्शिद के खिलाफ नहीं, हमारा तो अपना बड़ा मुर्शिद है, और हमारा मुर्शिद वैसे भी गौसुल आजम की खास औलाद से है, और हमारा मुर्शिद हमारे साथ है। तवज्जो है, तवज्जो है, मुर्शिद के खिलाफ नहीं, लेकिन जो असल मुर्शिद है इससे दूरी क्यों? ये कुरान से दूरी है, तवज्जो है, बात समझिएगा। अब हजरत अली असगर प्यास से होंठ खुश्क हो गए, हिम्मत जवाब दे गई, अब छह माह के बच्चे को क्या पता मेरा बाप इम्तिहान में है, मेरी वालदा इम्तिहान में है, मेरी फुफो इम्तिहान में है, मेरी बहन इम्तिहान में है, इस वक्त सारा कुनबा इम्तिहान की घड़ियों से गुजर रहा है, ये भला कौन जानता है? उस बच्चे को कौन समझा सकता है या कौन पढ़ा सकता है? सोनियो, बात तवज्जो से सुनिएगा, आज बड़े आराम से ये कह देना दो शहजादों की जंग थी, या ये कह देना कि हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए मानते हैं लेकिन यजीद का कसूर नहीं है। मैं कहता हूँ जो भी आपको ऐसा शख्स मिले उसे कहना अपने छः महीने के बच्चे को ज़रा कभी धूप में ला के दिखा, धूप में रख के दिखा, और पीछे हट जा, प्यास से जब तड़प रहा हो तो फिर मुझे दिखा के तू कैसे बर्दाश्त करता है। छः महीने का बच्चा हो और धूप में प्यास से बिलक रहा हो और बाप सामने देख रहा हो तो देख लेते हैं किसी मकतबे फिक्र से तेरा ताल्लुक होगा, लेकिन तेरे अंदर वो बाप वाला जज्बा, बाप वाला दर्द, बाप वाला एहसास तो मौजूद है ना, देखते हैं फिर तू कैसे बर्दाश्त करता है। अगर वो बर्दाश्त ना कर सके तो उसे कहना एक बार मैदान करबला की तरफ आंख उठा के देख, जरा पीछे मुड़ के देख, छह महीनों का बच्चा है, प्यास से बिलक रहा है, पानी का एक कतरा भी नहीं है। हजरत अब्बास, गाजी अब्बास की किस्सा सुनाया जाता है, मैंने इस पर जितनी बार पढ़ा, उनके हाथ कटे ये कमाल नहीं है, वो तो सबके कटे, वो शहीद हुए ये कमाल नहीं है, वो तो सब हुए। हजरत गाजी अब्बास का कमाल क्या था? वो ये था कि पानी पर कुदरत भी रखते थे, पानी को पा भी लिया था और एक कतरा भी होठों से नहीं लगाया। वफा इसे कहते हैं, एक खतरा भी नहीं लगाया। किसी ने पूछा होगा कि हुजूर जब शरीयत इजाजत देती है, जब कुदरत रखते थे, फिर पानी पिया क्यों नहीं? आप तो शराब हो सकते थे, जी भर के पी सकते थे। जवाब दिया होगा, खुद पीता या असगर को पिलाता। बातें करना सोना आसान है, तवज्जो है, नौजवान है, 18 साल की उम्र है, अपने वालिद गरामी को बुला के कहते हैं, अब्बा जी 18 साल हो गए, आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कोई ख्वाहिश नहीं की, क्योंकि हम ख्वाहिशात के पुतले नहीं, हम तो सज्जन की रजा में राजी हैं। अब्बा जी आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, अता करेंगे? बाप का नाम हुसैन है, बेटे का नाम अली अकबर है, हुसैन अली अकबर को तकता है, अली अकबर हुसैन को तकता है, बाप बेटा एक दूसरे को देख रहे हैं, कुरान फिर से इस्माइल और इब्राहिम का मंजर लौटा रहा है, वहाँ भी एक बाप बेटे की दास्तान रकम हुई, यहाँ भी एक बाप बेटे की दास्तान रकम हुई, वो भी एक मैदान था, ये भी एक मैदान है, वो भी 10 थी, ये भी 10 है, वो महीने का आखिर था, ये महीने का आगाज है, वो भी आले नबी, ये भी आले नबी, वो भी इज्जत वाले, ये भी इज्जत वाले, वो भी हुरमत वाले, ये भी हुरमत वाले, बस फर्क इतना है, वहाँ दुम्बा आया
और यहां कुंभा आया। बस फर्क इतना है, वहां आए कटे नहीं बच गए, यहां जितने आए सब कट गए। फर्क इतना है, वो खलीलुल्लाह थे ये हबीबुल्ला हैं। फर्क इतना था वो भी किसी का जिगर, था ये भी किसी का जिगर, वो हाजरा का जिगर ये फातिमा का जिगर, वो भी तन्हा ये भी तन्हा, बाप बेटे से कलाम कर रहा है, यहां भी बाप बेटे से कलाम कर रहा है, वहां भी बेटा महसूस करता है कि मेरे बाबा के जज्बात क्या हैं। बस फर्क इतना है, वहां बाप ने कहा कुर्बानी देनी है, यहां बेटा कह रहा है कुर्बान होना है। वहां बाप ने कहा बेटा कुर्बान करना चाहता हूं, क्या राय है? बेटे ने कहा कुर्बान छोड़िए, बोटी बोटी करते हैं, इतराज नहीं करूंगा। फर्क इतना है, वहां बेटे ने कहा हाथ बांधते हैं, पांव बांधते हैं, यहां बेटे ने कहा कुछ भी ना बांधे, बस इजाजत दे दे। वहां बाप ने रजा बताई, यहां बेटे ने रजा बताई, हैं दोनों आले नबी। दरूद भी दोनों पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन, ये हैं करबला वाले। कमा सल्लैता अला इब्राहिमा व अला आली इब्राहिमा, ये हैं मीना वाले। उन्होंने भी तकबीर कही, इन्होंने भी तकबीर कही। बस वहां बहकाने वाला इबलीस था या यजीद था, वहां शिकस्त इबलीस को हुई या यजीद को हुई। फर्क इतना है, फर्क इतना है, वो कुराब कुर्बानी की इब्तदा थी, ये कुर्बानी की इंतहा है। वो इब्तदा वाले थे, ये इंतहा वाले हैं। अब जरा सुनिएगा, इतनी बात का फर्क जरूर है, वो खुदा को चाहते थे, खुदा इनको चाहता था। बेटे ने कहा अब्बा जी कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगू तो अता करेंगे। बाप ने कहा बेटा लुटा पुटा काफला है, यहां कुछ मांग रहा है? जब सारा कुछ था कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहा है इस वक्त में? जी अब्बा जी, जो चीज मैं मांग रहा हूं वो आप अभी दे सकते हैं, वह आपके इख्तियार में। सुने, फरमाया बेटा क्या मांगता है? हुजूर आपसे पहले जाना चाहता हूं, आपसे पहले कटना चाहता हूं, आपसे पहले कुर्बान होना चाहता हूं। इतना कहा तो मेरे हुसैन की आंखों से आंसू छलकने लगे। हुजूर जारो कतार रोए, गिड़गड़ा के रोए, फरमाते बेटा तेरी जवानी का इंतजार किया था। एक बाप के अरमान होते, एक बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा जवान हो, जब जवानी चढ़ जाए तो बाप चाहता है अब इसकी शादी करूं, जब शादी हो जाए बाप चाहता है अब इसकी औलाद हो। बेटा मुझे मेरे रसूल ने खिलाया, मुझे मेरे रसूल ने पिलाया, मैं नाज नखरों के साथ मुहम्मद की गोद में पलता रहा, मैंने जिस तरह हुजूर की परवरिश पाई उसी तरह तेरी परवरिश की, मैंने जिस तरह हुजूर की तरबियत पाई उसी तरह तेरी तरबियत की, मैंने जो प्यार हुजूर से पाया वही प्यार तुझे दिया, जो मोहब्बत मुझे हुजूर के दर से मिली वह मोहब्बत मैंने तुझे दी। मेरे खूंगा तेरी जवानी के जौहर देखूंगा, तेरी कुव्वत और हिम्मत देखूंगा, तेरी बर्दाश्त देखूंगा, चाहता था तेरी शादी हो और तू चाहता है कि कुर्बान हो जा, जब तक तेरा बाप है तू क्यों जाएगा? अब बेटा कहता है अब्बा जी वादा किया था, जो मांगूंगा वो अता करेंगे। वादा किया था, जो मांगूंगा वो अता करेंगे। सुनिए सुनिए, मेरे वालिद ग्रामी को पता चल जाए ना फला रास्ता खतरनाक है, तो मेरा जितना अहम काम हो, वालिद ग्रामी फरमाते ना ना काम बाद में, तेरी जिंदगी पहले, रुक जा ठहर जा सो जा। बाकायदा ड्यूटी देते हैं, पहरा देते हैं कि कहीं मैं चोरी निकल ना जाऊं। बाप को पता हो कि बेटे ने
नुकसान पहुंच सकता है बेटे को, बाप पहरा देता है, या बाप को पता है बेटा जाने वाला है आने वाला नहीं, बेटा इजाजत मांगता है। जब बाप ने देखा तो मेरे हुसैन ने इजाजत दी। मैंने अपनी आंखों देखा, वाकया बता रहा हूं। हमारे शहर के एक वॉलीबॉल प्लेयर थे, बड़े कड़ियल जवान थे, बड़े खूबसूरत थे। उनका एक्सीडेंट हुआ, बाप को बस इतला दी तो बाप भी वहीं का वहीं। बेटा एक्सीडेंट से, बाप खबर सुन के, बेटे की खबर सुन के वहीं गया, खत्म हो गया। ये सच्ची कहानी सुना रहा हूं। वही मुझे ये बताएं, वो तो कुदरती मौत थी, पता नहीं चला, हादसा हो गया, पता नहीं चला, लापरवाही हो गई, पता नहीं चला। ओए सामने बाप खड़ा है, सामने तीरों की बरसात है, कैसे कुर्बान, कैसे ये कुर्बानी देख के मेरे हुसैन ने बर्दाश्त की हो गई। ये मंजर एक बाप कैसे देख सकता है, तीरों की बरसात हो रही है, बाप सारा मंजर देख रहा है, जख्मों पे जख्म, तीरों पे तीर, तलवारों पे तलवारें। जब जिस्म चूर हो गया तो इमाम अली अकबर जमीन पर गिरे तो आवाज दी, अब्बा जान, बाप करीब ना ना हो तो बेटा आवाज देना, तो वो कैफियत नहीं होती। जितनी तकलीफ तब होती है कि बाप सामने हो और बेटा जान दे रहा हो और बाप बचा ना सके। जब ये कहा अब्बा जी, इतना कहना था, मेरे हुसैन करबला की तरफ दौड़े और जाते हुए बेटे को अपनी गोद में लिया। इमाम अली अकबर ने जामे शहादत नोश फरमाया। सारी करबला की कहानी में ये कर्बनाक, अलमनाक, दर्दनाक कहानी में सबसे अलमनाक जो वाकया है वो ये है, 56 साल की उम्र में मेरे हुसैन की दाढ़ी भी काली थी, सर के बाल भी काले थे, लेकिन जब बेटे की लाश उठाई खैमे तक लाते हुए चंद कदमों का फासला था, दाढ़ी भी चिट्टी हो गई, सर के बाल भी सफेद हो गए। इब्ने सीर कहते हैं, लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया, पता नहीं चलता था ये हुसैन है। सारी की सारी दाढ़ी सफेद हो गई, सारे के सारे सर के बाल सफेद हो गए, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं इस सारे मंजर में हुसैन ने एक जुमला कहा, मालिक राजी तो है ना, राजी तो है ना। अर्ज की, मालिक मैं अकबर लुटा के राजी हूं, क्या तू ये कुर्बानी कबूल करके राजी है या नहीं है। जे सोना मेरे दुख विच राजी, जे सोना ओ मेरे दुख विच राजी, सुख नू चुल्ले डावा हू, यार मिले जे उजाड़ दे अंदर, उजाड़ दिसे गुल जारा हू, जिस गुलजार विच ओ यार ना होवे, गुलजार नहीं ओ खारा हूँ। ए तन मेरा ओ जे कंगी होवे, ए तन मेरा ओ कंगी होवे, जुल्फ महबूब दीवावा पोश मेरे दी बन जाए जूती,
ओ यार दे पैरी पै जावा। एक बात बता रहा था, मीना के मैदान में एक फवारा फूटा जिसे आब जमजम कहते हैं, वहाँ पानी का चश्मा निकला और यहाँ खून का चश्मा निकला। वहाँ पानी बहा या खून बहा, पानी की कीमत कयामत तक सबसे आला वरफा है, लेकिन खून की कीमत कयामत के बाद भी सबसे अल्फा वाला है। आब जमजम दुनिया की बात है, लेकिन खून हुसैन आखरत की बात है। खून हुसैन आखरत की बात है। मेरे हुजूर के पास कुछ सहाबा आए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक सहाबी गिरे हैं और उनकी गर्दन को मरोड़ आया है और उनका विसाल हो गया है। हुजूर फरमाते हैं, कयामत के दिन इसी हालत में उठेगा। क्या? इसी हालत में उठेगा। कोई उठेगा नमाज पढ़ते, कोई उठेगा दुरूद पढ़ते, कोई उठेगा अली अली करते, कोई उठेगा हुसैन हुसैन करते, लेकिन जब हुसैन उठेंगे सर सजदे में होगा, खून बह रहा होगा। याद रखिएगा, अगर उस वक्त कमली वाले ने पूछ लिया मेरे हुसैन की कीमत ये लगाई थी तुमने कि तुमने फतवे जड़ दिए, गमे हुसैन में रोना जायज नहीं, क्या तुम्हें ये लगा जिस हुसैन ने तुम्हारे लिए खून बहाया और तुम तो आंसू ही नहीं बहा सके? हदीस पाक सुना रहा हूं, उलमा से लेकर अवाम उन्नास तक सबका रू राजी हो जाएगा। फतवा सुन लें, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, काना हुसैन इब्न अली जिन यकूलू मन दमाता आईनाहु फीना दमातन औ कतरतन आईनाहु फीना कतरतन। फरमाया, जिस किसी ने हमारी मोहब्बत में औ कतरत आई ना हुफी ना कतरतन अपनी आंख से, तो कोई बड़ी बात नहीं। असल में चिश्ती साहब और इधर मेरी बहनें और माएँ बैठी हैं, अल्लाह सबको सईदा जैनब सलामुल्लाह अलैहा की चादर तहीर का साया नसीब फरमाए। अल्लाह ने मुझे बेटी दी तो मैंने उसका नाम जैनब जहरा रखा, मुझे बेटा दिया तो मैंने जैनुल आबिदीन नाम रखा। मैंने अपना इदारा खोला और चिश्तियाँ शहर में पहला बंदा हूँ जिसने फ़र्द वायद, जिसने हुजूर की अहले बैत के नाम पर सैयदा जैनब कॉलेज ऑफ शरिया नाम रखा। मुझसे कई लोग पूछते हैं ये नाम बेटी के नाम पे रखा, मैंने कहा नहीं, जिनका जिनके नाम से बेटी का नाम रखा है उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा। लोग समझ रहे थे मैंने कॉलेज का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा, ना ना, मेरी बेटी क्या है। यारो एक बात मेरी याद रखना, कुछ बातें किताबों में नहीं लिखी होती, ज़िंदगी के तजर्बे में लिखी होती हैं। थका हारा होता हूँ, सोता हूँ तो खबर ही नहीं रहती। अभी चिश्ती साहब हम एक प्रोग्राम से आए हैं तो सोए 3 घंटे, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक पता ही नहीं चला किस दुनिया में है, ना कोई ख्वाब ना कोई ख्याल, इतने मदहोश होकर सोए रहे, पता ही नहीं चला, क्योंकि सारी रात की थकावट थी, प्रोग्राम की थकावट, सफ़र की थकावट, नींद की नहीं। अब जब थकावट से सो गए, लेकिन इतनी थकावट के बावजूद भी मेरी 1 साल की बेटी है, वो थोड़ी सी भी रोती है चौंक उठता हूँ। तो कभी कभी मुझे ख्याल आता है, ये मिंबर रसूल की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूँ आपसे, ये कोई कोई बनामती बात नहीं कर रहा, कोई रिवायती खतीबों वाली बात नहीं, ये हकीकत कह रहा हूँ। मुझे ख्याल आता है, ये आता वाकई ख्याल आता है, मैं सोचता हूँ मैं इतना थका हारा हुआ, मेरी बेटी थोड़ी सी रोती है तो तड़प उठता हूँ, सकीना की सिसकियों को कैसे बर्दाश्त किया होगा, कैसे मेरे हुसैन देखते होंगे, कैसे देखते होंगे
एक तरफ करबला के मैदान में लाशें बिखरे पड़े और एक तरफ सकीना सिसकियों से रो रही है। यार कैसे बर्दाश्त होता है। पिछले दिनों एक दोस्त वाक्य बता रहे थे कि एयरपोर्ट पर वो उमरा करके आए तो वो उतरे तो एयरपोर्ट पर एक बच्ची जो थी वो बेहोश थी, लोग जमा थे, एक मेला लगा हुआ था। तो उन वो कहते हैं मैंने पूछा कि क्या हुआ इस बच्ची को, तो जवाब दिया इसके वालिद दुबई गए हैं 2 साल के लिए। तो बेटी बाप की 2 साल की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, बेहोश हो गई। मुझे ये बताएं जब सकीना ने देखा होगा मेरे बाबा जा रहे हैं और वापस नहीं आना, वापस आने की कोई तवक्को नहीं है। जब वो जानती हैं कि जो जाता है वो कट जाता है, जानती हैं कि जो जाता है वो फिर वापस नहीं आता। आज उम्मत को ये ख्याल आया है सारी शरीयत सारी हदीस का जखीरा उसूल हदीस उसूल तफसीर फिक सारा कुछ पढ़ने के बाद तुमने ये निचोड़ निकाला है कि हुसैन की मोहब्बत में रोना जायज नहीं, डूब के मर नहीं गए। कौन सा फतवा है तुम्हें, किसने याद दिलाया है? और ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, रमजान जुदा हो रहा है गड़गड़ा के रो रहे हैं, हालांकि कोई हदीस नहीं है। रमजान जुदा हो रहा है तो आगे ईद आ रही है, ईद खुशी का दिन है। हाँ जी बड़े जरा बोल दें आप, जरा आप थोड़ी मुझे हिम्मत दे दें, मैं जरा इनको समझा दूं। जब रमजान खत्म होता है तो ईद आती है, वो खुशी का दिन है। उस दिन रोजा रखना हराम है। बुलंद आवाज से बोलें, सारा साल रोजा रख सकते हो लेकिन ईद के दिन रोजा रखना हराम है, रोजा नहीं रख सकते। क्यों? शरीयत मुस्तफा कहती है यह खुशी का दिन है, खाओ पियो, खाओ पियो, मौज उड़ाओ, ये खुशी का दिन है। उसके लिए रोते हो तो हुसैन के लिए फतवे लगाते हो, डूब के मर नहीं जाते। क्या आपने अपनी आंखों से नहीं देखा? बाबा जी ये बुजुर्गों का चेहरा मेरी तरफ, आपने अपनी आंखों से मुशाहिदा नहीं किया? सगे भाई को आप बेटी देते हैं, सगे भाई के बेटे को बेटी दे दी, सगे भाई के घर वो ब्याह के जा रही है, एक दीवार का फासला है, एक दरवाजे का फासला है, बाप रोता क्यों है? रोता क्यों है? ये क्यों रोता है? कभी देखा है जुदाई? साथ एक ही तो दीवार है, एक ही दीवार है। ओए जिगर का टुकड़ा इतना प्यारा होता है। मेरे मुस्तफा ने सजदा कायनात को बुलाया और बुला के फरमाया बेटा ऐसे नहीं हो सकता, मेरे साथ वाला घर तुम ले लो। मदीना को शहर नहीं था, बस्ती थी, छोटी थी। अर्ज करती हैं बाबा जान वो कौन सा मेरा घर, दूर है। लेकिन फरमाया नहीं बेटा दूर है, ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। ओए मुझे ये बताएं जिस रसूल से जन्नत दूर नहीं है तो फातिमा दूर कैसे हो सकती है? फरमाया बेटा साथ वाला घर ले लो। हजरत अली से मशवरा किया सय्यदा कायनात ने, मौला कायनात फरमाते तुम्हें पता है फातिमा मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। उस साहबी को पता चला कि मेरे हुजूर को इस घर की जरूरत है, वो हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं सोनिया तन भी तोड़ा मन भी तोड़ा, सोनिया ते तुसी इस गुलाम नु हुक्म क्यों नहीं किया? अगर आप हुक्म फरमाते सब कुछ आपका है, मेरे माँ बाप आपके, मेरी जिंद जान आपकी, मेरा घर मेरा माल सब कुछ आपका, औलाद आप पे कुर्बान, जिंद आप पे कुर्बान, इज्जत आबरू आप पे कुर्बान, वकार आप पे कुर्बान, शख्सियत आप पे कुर्बान। आका आप हुक्म फरमाते, मुस्तफा ने फरमाया अब क्या इरादा है? या रसूल अब तो दे चुका हूँ अली को, घर दे दिया। सजदा कायनात उस घर में आ गई। मैं अपनी बेटी को लिए, अपनी बहनों के लिए और अपनी माओ के लिए यह नुक्ता छोड़ रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। कभी बाप की इज्जत पे आंच ना आने देना बेटा, कभी आपकी वजह से आपकी बाप की दस्तार जो है वो दागदार ना हो, कभी आपकी वजह से आपके पापा का सर जमाने में ना झुक जाए, कभी आपकी वजह से आपके पापा को घर से बाहर निकलना मुश्किल ना हो जाए, कभी आपकी वजह से आपके बाप को इज्जत बचाना मुश्किल ना हो जाए। अपने पापा का सर बुलंद रखना बेटा, याद रखना तुम सजदा कायनात की बांदियां हो, तुम सजदा जैनब की बांदियां हो, याद रखना। फरमान सुने, मुस्तफा ने फरमाया बेटा अब ऐसा नहीं हो सकता, दरमियान में खिड़की रख लो, दरमियान में खिड़की रख लो, दरमियान में खिड़की रख लो,
अब सजदा कायनात मुस्कुरा के कहती हैं, अब्बा जान एक दरवाजे का ही तो फासला है और आप हर नमाज पे जाने से पहले मेरे घर से होके जाते हैं। अब्बा जान ये कोई दूर तो नहीं है, सुने मेरे रसूल ने फरमाया फातिमा इतनी जुदाई भी बर्दाश्त नहीं होती कि मैं जब तुझसे उदास हो जाऊं तो फिर मुझे ऊपर से आना पड़े, जब उदासी छा जाए तो फिर मैं जल्दी तेरे पास आना चाहता हूं। जब उस रसूल ने सुना था मेरे शहजादों को शहीद किया जाएगा और उम्मत करेगी दर्द ना, उम्मत शहीद करेगी, उम्मत कलमा पढ़ने वाले जिनके लिए मैंने तैफ की वादियों में पत्थर खाए और जिस उम्मत के लिए मुझे मक्का छोड़ना पड़ा, जिस उम्मत के लिए मेरी दो बेटियों को तलाक हुई। जब किसी की बेटी को तलाक होती है तो बाप बता सकता है उसके कलेजे पर, नौजवानों के क्या बता, नौजवान वो तो चौधरी बन जाते हैं, जो ही शादी हुई चौधरी बन गए, किसी की बेटी को दो मिनट में मसल दिया, उन्हें क्या पता, इस बेटी का तो पता नहीं इसके बाप के कलेजे पर कौन सी बिजलियां गिरेंगी, कौन से गमों के तूफान उमड़ाएंगे, और एक कौन सी खिजा इसके बाप के कलेजे पर छा जाएगी, उसे क्या खबर दो बेटियों को तलाक हुई। इस उम्मत की खातिर मेरी राहों में कांटे बिछाए गए, वो उम्मत मेरे शहजादों को कत्ल करेगी। कैसे बर्दाश्त किया होगा, कैसे एक बात चिश्ती साहब, ये मेरे अपने जौक की बात है, मैं अपनी बहनों के लिए अर्ज कर रहा हूं, सैयदा जैनब सलामुल्लाह अलैहा जब नमाज पढ़ती थी ना तब तक नमाज नहीं पढ़ती थी जब तक हुसैन नहीं आ जाते थे। जरा आप हाथ खड़ा कर दें, मैं कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे, अगर एक बंदा भी परेशान है तो मैं खिताब यहीं रोक देता हूं। मैंने आपसे पहले अर्ज किया था अगर इल्मी खिताब सुनना है तो वो और है, वो जो मैंने शुरू में स्टार्टिंग की थी वो एंड तक ले जाता, मैंने आपको चुप रहने नहीं देना था। अब दिल नहीं करता कि आपसे कहूं कि आप बोलें, दिल नहीं करता। सैयदा जैनब सलामुल्लाह अलैहा तब तक नमाज नहीं पढ़ती थी जब तक हुसैन आज नहीं जाते थे, पहले हुसैन को तकती थी पर नमाज पे खड़ी होती थी, पहले हुसैन को तकती थी फिर मुसल्ले पे खड़ी होती थी। औलाद के लिए माँ बाप बहन भाई छोड़ देता है, माँ बाप छोड़ देता है, औलाद की खातिर बंदा रिश्तेदार छोड़ देता है। बड़े भाई होते हैं, बड़े मुत्तहिद होकर सारी जिंदगी गुजारते हैं, जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो जुदाइयां डाल देते हैं। लेकिन सैयदा जैनब सलामुल्लाह अलैहा को देखें, ओनो मुहम्मद, हाय हाय, मेरे हुसैन को बुला के अर्ज करती हैं, अर्ज करती हैं भाई जान मेरी कुल कमाई यही है, मेरी कुल कायनात है, मेरी जिंदगी की कुल कमाई है ये दो फूल है, अगर आप कबूल कर लें तो, अगर आप कबूल कर लें मैं आप पे कुर्बान करना चाहती हूं। याद रखना मेरी बहनें, अच्छा बहनों के मान बड़े होते, शोहर 20,000 का सूट भी ले देना तो बहन इतनी तशहीर उसकी नहीं करती, भाई 500 की ईद भेज देना तो पूरे मोहल्ले को दिखाती है ये भाई ने ईद भेजी है, ये भाई ने ईद भेजी। अच्छा इमरान भाई, चिश्ती साहब और उलमाए कराम, आप इजाज साहब तवज्जो से सुनिएगा, अरब पति बहन भी हो ना, अरब पति तो वो भाई की ईदी 1,000 का इंतजार करती रहती है, कैसा नहीं है, ऐसा है कि नहीं है, है तो जरा हाथ खड़ा करें, हाथ हाथ खड़ा करके बताए ना, ऐसा ही है, हाथ बुलंद करें, हाथ बुलंद करें, हाथ नीचे ना हो, जब ऐसा है तो फिर बहनों का मान क्यों तोड़ते हो। अच्छा हुजूर की सगी बहन नहीं थी ना, तो सजदा
सैयदना मौला कायनात की एक हमशीरा थी जिसे हुजूर अपनी बहन फरमाते थे। तो जब मक्का फतह हुआ ना तो हुजूर तशरीफ लाए तो उनके जो बच्चे थे ना वो बच्चे अपनी अम्मा से कहते, अम्मा जी आज मामू हमारे घर आएंगे। बच्चों को पता हो ना हमारा मामू बड़े मनसब वाला है, बड़े कद काट वाला है। तो उन्होंने कहा, अम्मा जी आज मामू हमारे घर आएंगे। तो माँ रोने लगी, बेटा आएंगे तो ज़रूर लेकिन ये नहीं पता कब आएंगे, इसका इल्म नहीं है। वो बच्चे पूछते, अम्मा जान क्या वो हमारे मामू नहीं है? क्या हमारे मामू? बेटा मामू है तुम्हारे, तो फिर वो आज क्यों नहीं आएंगे? बेटा वो सुल्तान है, आज वो फाते बन के आ रहे हैं, 1.25 लाख का मजमा है उनके साथ, आज अरब की रियासत उनके हाथ में है। कल तक जिनके पीछे उबाश लड़के लगते थे आज 1.25 लाख का मजमा उनके पीछे हाथ बांध के खड़ा है, आज वो सुल्तान फातह बन के आ रहे हैं। बेटा उनके पास पता नहीं वक्त होगा या ना होगा, तो आएंगे जरूर। ये माँ और बेटों की बात हो रही है, दरवाजे पे दस्तक हुई। दस्तक हुई, कौन? आवाज आई, तेरा भाई मोहम्मद। वो मैं मर ना जाऊं इस जुमले पर, मैं कुर्बान ना हो जाऊं यार, तेरा भाई मोहम्मद। आवाज सुनी, दौड़ के गई, जूता नहीं पहना, दरवाजा खोला, हुजूर को पाक के कहती है, सुनिया तुसी साढ़े बुए थे, तुसी आप मेरे घर, और इस वक्त ये जुमला बड़ा नहीं है, सुने मेरे हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं, सिर्फ बातें करती रहेगी या कुछ खाने का भी पूछेगी? खाने का भी पूछेगी। अब पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। आका मैं तो समझी आप सुल्तान बन के आ रहे हैं, आपके लिए शाही खाने तैयार होंगे। हुजूर ने जो जुमला इरशाद फरमाया ना, अगर एक भाई ने भी जाया कर दिया मुझे चिश्तियां तक दुख होगा, जाया मत करना। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जो तेरे हाथ के खाने में मजा है वो शाही खानों में कहां है। क्या वाकया ऐसा था? वाकया ऐसा था ना? ना ऐसा था नहीं। जिस रसूल के लिए जन्नत से आए खाने उसको दुनिया की लज्जतें कहां पाती हैं भला। लेकिन ये जुमले क्यों फरमाए? बहन का कद ऊंचा करने के लिए। बहन बच्चों से कह रही थी पता नहीं कब आएंगे, वो आ गए। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ये बात बहनों के मान होते हैं। सैयदा जैनब सलामुल्लाह अलैहा मेरे हुसैन की बारगाह में खड़ी हैं और फरमाती हैं, ये कुल कमाई है, ये कबूल फरमा लें हुजूर, ये कबूल फरमा लें। अब वो कमाई हुजूर कबूल फरमा रहे हैं। मंजर देखें, जरा मंजर देखें। बहनों से कहूंगा जब भाई दरवाजे पे आ जाएं तो फिर सारी रंजिश छोड़ दें। भाइयों से कहूंगा जब बहन आवाज दे दे तो फिर सब कुछ छोड़ दो। मां के बाद अगर कोई दौलत होती है तो वजह होती है, क्या होती है जी? ये दौलत होती है। मैं सच कह रहा हूं। अब ये दोनों फूल हुजूर ने ले लिए। जैनब के बाग में भी, जैनब के बाग में भी दो फूल थे महकते, जैनब के बाग में भी दो फूल थे महकते, एक एक करके दोनों हीरे लुटा दिए हैं, सैयद ने करबला में। अच्छा मैं थोड़ा, वैसे तो मैं मिनहाज कुरान का हूं, हमारे मशर में अशार थोड़ा कम होते हैं, लेकिन थोड़ा चिश्ती भी होना, थोड़ा वो जौक भी है ना, अगर जरा मिलके पढ़ देंगे ना जरा मेरा जौक ताजा हो जाएगा। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं, सैयद ने करबला में।
आवाज आए सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं, सैयद ने करबला में हैं, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। आगे चलूं अगर इजाजत है तो मैंने अपना सफर और अपना खाता और अपने आने का मकसद पूरा कर लिया है। अगर आपकी चाहत हो तो मैं आगे चलना चाहता हूं। इजाजत है? हबीब इब्ने मुजाहिर, अरे ये बड़ा अजीब आदमी है, इसकी अजीब कहानी है। लड़ाई हो रही है और ये इमाम पाक के पास आते हैं, आके पता क्या फरमाते हैं, हुजूर जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत है आपके पीछे नमाज पढ़ लूं। क्या पढ़ लूं? नमाज पढ़ लूं। मेरे इमाम फरमाते हैं, हबीब यार कैसा आदमी है, लड़ाई हो रही है और तुम्हें नमाज याद है। सुने जुमले को जगह दीजिएगा, जोर नहीं लगाऊंगा, इसको जगह दीजिएगा। हुजूर जब इमाम आप जैसा हो तो मुक्तदी कैसे भूल सकता है, जब इमाम आप जैसा हो तो भला मुक्तदी कैसे भूल सकता है कि नमाज का वक्त है या नहीं है। जुमे का दिन है, मुसाफिर पर जुमा नहीं है, ना पढ़ते तो कोई हर्ज नहीं था। गुलाम कह रहा है, इमाम मुस्कुरा रहा है। गुलाम का कहना था, इमाम का मुस्कुराना था। अच्छा, इसमें एक और साबित है, 17 दिन हुए थे उनकी शादी को। कितने दिन? 17 दिन शादी को हुए। तो वो दिल में कुड़ी जा रहे थे कि यार इमाम पाक ने हुक्म दिया है, ऐलान कर दिया है, तो इमाम को मेरी जरूरत है। अच्छा, वो दिल में सोच रहे थे तो इधर से माँ आ गई। जब माँ आई तो वो जारो कतार रोने लगी, गड़गड़ा के रोती हैं। माँ सीने से लगाती हैं, बेटा पूछता है, अम्मा जी मैंने तो कभी आपका दिल नहीं दुखाया, मैंने कभी ना फरमानी नहीं की, अम्मा जी कोई गुस्ताखी हो गई है, मुझे हुक्म फरमाएं। अम्मा कहती, बेटा तेरी जवानी का इंतज़ार किया था, फिर तेरी शादी का इंतज़ार किया था, जवानी भी आ गई फिर शादी भी हो गई, लेकिन अभी शादी के चाह, शादी के अरमान अभी बाकी थे, अभी खुशियाँ और देखना बाकी थी, लेकिन एक मुश्किल है। माँ हो तो ऐसी हो, माँ कहती है, बेटा मुश्किल है, अम्मा हुजूर हुक्म फरमाएं। बेटा तुम्हें पता नहीं है मेरे रसूल का बेटा अकेला है, मेरे रसूल के शहजादों के तेरी लोड़ है, बेटा इस जवानी को मैंने आंख लगानी है, अगर ये हुसैन के काम ना है। बेटा तो पहले तड़प रहा था, माँ की आवाज सुनी, झूम के उठा, मचल गया, तड़प गया, दरवाजे तक पहुंचा, आगे बीवी आ गई, घबरा गया। जब घबराया कि अब क्या बनेगा, अगर इसने कोई रुकावट डाली तो क्या करूंगा, अगर इसने मना किया तो क्या करूंगा। अभी ये कहने वाले थे, इज्जत आबरू कुर्बान, मेरी दस्तार कुर्बान, मेरी जान कुर्बान, मेरा दिल कुर्बान, मेरा खानदान कुर्बान, मेरी आबरू कुर्बान, मेरी शख्सियत कुर्बान, मेरा वकार कुर्बान, मेरा कबीला कुर्बान, हम सब कुर्बान, मैं कुर्बान जाऊं इस मोहब्बत के। काश हुसैन इजाजत देते। ना बीवी की मिसाल, ना माँ की मिसाल, ना शोहर की मिसाल। घर में तीन ही हस्तियां हैं, तीनों हुसैन के लिए तड़प रहे हैं। याद रखना, जो ऐसा खानदान हो जाए वो घर दुनिया में जन्नत होता है, वो घर दुनिया में जन्नत होता है। एसी का मुंशी आपका बेली होना तो आप कहते हैं एसी से काम होना तो मुझे बताना, एसी आपने घर का है, एसी आपने डीसी से काम हो तो डीसी का रीडर जो है वो उससे अगर दोस्ती हो जाए आप कहते हैं डीसी मेरे घर का है। जन्नत की लोड़ आना, हुसैन फरमाते हैं जन्नत अपने कर दिए, जन्नत हमारे घर की है, अगर जन्नत की लोड़ होना परेशान ना होना, हाँ परेशान ना होना, एक काम करना, दिल हमारी तरफ कर लेना, बस दिल का झुकाव हमारी तरफ कर लेना।
फिर हम जाने जन्नत जाने। मुंशी कहता है परेशान ना होना, तू इस तरह करना मेरे घर आ जाना, मेरे घर आ जाना, मैं जानू एसी जाने। अच्छा एसी का पता भी कोई नहीं, वो रात को सस्पेंड भी हो सकता है। शेती साहब ये सीट वो है जो फानी है, इमरान भाई फानी सीट जिसका पता भी कोई नहीं है, लेकिन ये तख्त, ये तख्त, ये तख्त सुल्तानी बनाया हुआ खुदा का है, दिया हुआ मुस्तफा का है। फरमाते परेशान ना होना ये घर। अब तवज्जो कीजिएगा सारे, यहां तक लाना चाहता हूं क्योंकि कल भी खिताब है और कल आप आगे सुनेंगे। मैं उन आंखों को सलाम पेश करता हूं, मेरी इज्जत आबरू उन आंखों पर कुर्बान जिनकी आंखों से हुसैन के लिए आंसू निकले हैं। मैं हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाह उलाली अपने शेख को हमेशा सुनता हूँ। अभी मैं रास्ते में चिश्ती साहब को मैं बता रहा था कि किबला हुजूर की बातें मेरी ना समझ से बालातार होती थी, मैं सुनता था वो ऊपर से निकल जाती थी। अच्छा एक बात आपकी मेरे दिल पे हमेशा लगती थी, जब भी आप गमे हुसैन बयान करते थे ना यूं लगता था जैसे करबला मेरे सामने है। एक बात की मैंने जो अपनी जिंदगी में एक निचोड़ निकाला है, हुसैनी कल भी तन्हा थे, हुसैनी आज भी तन्हा है। जब तक आप हुसैनी फिक्र से जुड़ते नहीं हैं तब तक आपके साथ हुजूम होता है, आप तक आपके साथ, हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारा एक 23 दिसंबर का एक जलसा था, तहद निकाह लोग ही लोग थे, लेकिन जलसे में कह दिया आप हुसैन की सुन्नत को अदा करना है, आधे निकल गए। बड़ी बड़ी मोहब्बतें होती थी, बड़े बड़े प्यार के बड़े बड़े गूढ़े रिश्ते होते थे, लेकिन वो निकल गए। जब भी हुसैन की बात करोगे लोग आपसे दूर होंगे, याद रखिएगा लोग दूर हो जाएं तो फिक्र ना करना, हुसैन दूर हो जाए तो मर जाना, इससे बेहतर है तुम्हारी जिंदगी ना हो। हुसैन को कभी खुद से दूर ना करना। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मेरे साथ कलाम किया तो मैंने एक वैसे बातों बातों में एक जुमला वैसी जुबान पे आ गया, बस बाज बातें ऐसी होती हैं जो अल्लाह की तरह की अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए नेमत होती हैं। मैंने उसे कहा यार बेसकून ना हुआ कर, एक तुम्हें नुस्खा बताऊं हकीकत बात वाला, कहते बताएं। मैंने कहा अगर जिंदगी में चांद चाहते हो ना दिल में हुसैन ले आए। जिंदगी अगर चैन से गुजारना चाहते हैं तो एक काम करें, क्या करें, दिल में हुसैन ले आए। जिस दिल में हुसैन होता है ना, जिस्म चाहे तकलीफों में हो दिल फिर भी चैन में होता है। जिन जिस्म पर चाहे तकलीफें मुसीबतें आ रही हों दिल फिर भी मुतमईन होता है। हुसैन के साथ जुड़ेंगे, हाथ खड़ा करें जरा, जुड़े रहेंगे तो फिर एक काम कर लें, दिल से बुग्ज निकाल दें, दिल से कदूरते निकाल दें, दिल से हसद को निकाल दें, दिल के वेड़े को पाक कर लें। कौन पाक करना चाहता है, कोई हाथ नीचे रहा तो फिर देख लेना, दुआ तो मैं नहीं करवानी है ना, बुलंद हाथ रहें, दिल के वेड़े को पाक करें। आखिरी बात सुना के अगली शहादतें कल हो जाएंगी, ठीक है जी, आपकी इजाजत हो मुझे कोई बात नहीं, मेरा गला खिताब से पहले बंद था अब नहीं है। हुसैन तो ख्वाब में आ जाए तो आंखें खुल जाती हैं, हुसैन जिंदगी में आ जाए शऊर की आंख खुल जाती है, हुसैन फिक्र में आ जाए तो दुनिया की आंख खोल देता है। अब तक जो काफिर की आमना के साथ लड़ाई है ना वो एक ही है, वो कहता है हुसैन जिक्र में रहे फिक्र में ना आए। दुश्मन यही चाहता है अगर फिक्र में आ गया तो ये लोग हमें तबाह कर देंगे, इनकी फिक्र में हुसैन नहीं आना चाहिए, जिक्र में रहे, ये जिक्र करते रहें, फिक्र में हुसैन को लाएं। लाइए सुनिए फिर फिक्र, इमामुल अंबिया ने फरमाया जो पहले माफ करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। अब दोनों शहजादों जो थे आपस में एक बात का इख्तलाफ हो गया था,
इमाम हुसैन हुजूर की बारगाह में बैठे थे और इमाम हसन अपने घर थे। लजपाल वहां से उठे, बड़े लजपाल के घर पहुंचे। वैसे ये भी एक दो नंबरी है, हुसैन के मुर्शिद का नाम हसन है, बुलंदबाज से। हुसैन के मुर्शिद का नाम हसन है, हसन हुसैन का इमाम है, हसन हुसैन का इमाम है। हुसैन दरवाजा खटखटाते हैं, लजपाल बाहर आते हैं, यूं हाथ बांध के कहते हैं, भाईजान मैं आ गया हूं, आप मुझे मना लें। अच्छा, बड़ों की बातें भी बड़ी होती है। मैं आ गया हूं, आप मुझे मना लें। इमाम हसन फरमाते हैं, इतनी दूर से चल के आ गया, मना भी ले, चल के आना ही मुश्किल था, मनाना तो मुश्किल कोई नहीं है, अब मना भी ले। लजपाल फरमाते हैं, हुजूर आप हैं बड़े, मैं हूं छोटा। तो नाना जान फरमाते हैं, जो पहले माफ करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा, अगर पहले मैंने मनाया तो फिर पहले मैं जाऊंगा, पहले मैंने मनाया तो पहले मैं जाऊंगा। तो क्यों भाई, मैं पहले क्यों जाऊं, जब बड़े आप हैं तो हक आपका बनता है, आप मैं गया हूं, मना आपने, आ मैं गया हूं, आ मैं गया हूं, बुलंद आवाज से बोलिएगा, मना आप ले। ले शहादत हुसैन सुनने वालों, एक जुमला याद रखिएगा, बहन नाराज हो मनाने में देर ना करें, भाई नाराज हो मनाने में देर ना करें। अच्छा, मैंने एक जुमला पढ़ा, हुजूर फरमाते हैं, जो मैयत को 40 कदम कंधा देकर चलेगा ना, अल्लाह उसके सगीरा गुनाह माफ फरमाएगा। मैयत को, किसको, ऊंची बोले, मैयत को। सुनो, मुर्दा भाई को कंधा दें तो अल्लाह गुनाह माफ करता है, तो जिंदा भाई कमजोर हो जाए तो थोड़ा जहा मोढ़ा ला दो। सगा भाई नुकसान में हो ना तो ताने नहीं देने कि मैंने तुम्हें कहा था ये जमीन काश्त ना कर, ये कारोबार ना कर। ओए तेरा सगा भाई है, ये तानों का वक्त नहीं है, मदद का वक्त है, मदद करें। बुए पे आ गया है, दरवाजे पे आ गया है, जिंदा भाई को सहारा दे, जिंदा भाई का आसरा बने। एक अभी भी हुसैन से बेवफाई करोगे, वो तेरी तो मैयत की इतनी इज्जत है, हर नमाज में इमाम आगे होता है लेकिन जनाजे में इमाम पीछे, रहेंगे दूर हुसैन से, मर तो जाएंगे लेकिन हुसैन से दूर। हाथ उठाएं जरा, अब मेरे साथ मेरा जौक पूरा कर दें, एक शेर आपको सुनाता हूं, वो सुन के और मेरे साथ सुना के, जी साथ सुना के भी, फिर आपसे इजाजत चाहता हूं। रसूल नाना खोल दें, रसूल नाना ते बाबा अली, रसूल नाना ते बाबा अली, अजे भी पूछने हुसैन की। सुकून आया, आपने सिर्फ ये कहना हुसैन की है। रसूल नाना ते बाबा अली, रसूल नाना ते बाबा अली, अजे भी पूछने हुसैन की। अगर मेरी बहनें भी और माएं भी पढ़ दें तो जरा मुझे मुझे सुकून मिलेगा। रसूल नाना ते बाबा अली, अजे भी पूछने हुसैन की। ओए हुसैन दी मां, हुसैन दी मां नबी दिती है। कंजूसी ना करें, कंजूसी ना करें। आपने, आप बड़े मोहब्बत वाले यार, यकीन जाने आपने बड़ी मोहब्बत की है, आपने इस निकम्मे इस कमीने को बड़ी तवज्जो से सुना है, आपने मेरा मुल डाला मेरे आने का,
मैं खुश हूं आपसे, लेकिन आखिरी हाफजा बंदा हुई चंगा जिदी अखीर चंगी, बंदा हुई चंगा जिदी अखीर चंगी। अब आखिरी वक्त में बेवफाई ना करें, हाथ खड़ा करके कहें हुसैन दी मां नबी दीती अजे भी पूछे हुसैन की, हुसैन दी मां नबी दीती अजे भी पूछे हुसैन की। अगर अगर आप जरा बुलंद आवाज से पढ़ देंगे मैं आपको सुनता हूं जरा। रसूल नाना बाबा और बुलंद आवाज से रसूल ना बाबा अली ये अज भी पूछ न हुसैन की ये अजे अजे भी पूछ न हुसैन की ये हुसैन दी मां नबी दीती अजे भी पूछ न हुसैन हुसैन गोदे नबी च पलिया हुसैन गोदे नबी च पलिया तीसरा इमाम झलिया जाया किया आपने हुसैन गोदे नबी च पलिया तीसरा इमाम झलिया हुसैन पंज तन हुसैन पंज तन दा पंजवा जी ए जिस तरह आले स्टेज पढ़ रहे हैं सिर्फ पढ़ के सुनाए अजे भी पूछ न हुसैन की चिश्ती साहब ये नथा जानते हैं जिस तर्ज में मैं ये कलाम पढ़ रहा हूँ ना इतने खिताब के बाद इतने जोर के बाद ये दिल गुर्दे का काम है गला फ्रेश हो ताकत भी पूरी हो तो खाया पिया भी हो तो फिर तो ये आप इस तर्ज में कलाम पढ़ सकते हैं इतनी थकावट के बाद दिल गुर्दे का काम है लेकिन ये मैं नहीं पढ़ रहा जिन्ना दा कलाम है वो कह रहे ने वो तकाजा कर रहे वो तकाजा करते हैं कि मैं पढ़ूं हुसैन पंज तन दा पंज वजी अजे भी पूछे ने हुसैन हैरान ने सब यजीद टोले कि में है लपते हुसैन खोले हैरान ने जब यजीद टोले हैरान ने सब यजीद टोले कि में से ते लब नू खोले बुलंद आवाज से कि में है लब ने जे ते खोले अब क्या फरमा रहे हैं हुसैन फरमा रहे हैं ओ जलिया हुसैन बोले शहीदां दिए हो जिंदगी जहां से मौजू शुरू किया था वहां खत्म हो रहा है शहीदां दी ए हो जिंदगी ए अजे भी पूछ न हुसैन की। अच्छा एक मेरे इलाके के शायर हैं अहमद अली हाकिम साहब वो हमारे इलाके के हैं ना तो क्योंकि वो अहले बैत के बड़े 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 बहुत बड़े उबदार हैं और उस बंदे को बड़े बड़े शायरों ने उसको उसने बिछाड़ दिया हुआ है इस वक्त उसको दीबंदी वाबी सब पढ़ रहे हैं मैं सही कह रहा हूँ सब पढ़ कवाल पढ़ रहे हैं उसको बड़े बड़े नाथ खां उसको पढ़ रहे हैं तो मैं सोचा क्यों भला इसको क्यों पढ़ते हैं क्योंकि इसने हुसैन को बहुत पढ़ा है उसका एक शेर है वो सुना के आपसे इजाज़त नाराज़ तो नहीं है हुसैन ऐसा
अजीम कारी है, हुसैन ऐसा अजीम कारी है, बिन बदन के कुरान जारी है, हुसैन ऐसा अजीम कारी है, बिन बदन के कुरान जारी। अल्लाह ताला मेरे भाइयों के इस एहतमाम को कबूल फरमाए, और मैं खुसूसी दुआ करता हूँ जो नौजवान जिन्होंने इस महफल को सजाने में इमरान भाई और मार साहब और इजाज़ भाई इन सारे दोस्तों के साथ जिन्होंने पूरी कोऑर्डिनेशन की और पूरा जो है वो तामुन किया, अल्लाह ताला उन सब के तामुन को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह आपकी जवानियों को पकीज़ा कर दे, आपकी जवानियों को सलामती अता फरमा दे। मैं दुआ करता हूँ मालिक इन जवानियों को कभी भी हुसैन की मोहब्बत दूर न करना, हमेशा ये हुसैन की मोहब्बत से हमेशा आबाद रहें। मेरी बहनें और मेरी माएँ, तो दूसरा एक जवानों से अर्ज है, जिस सड़क से गुजरे तुम्हारी नजरों में ऐसा हया हो, देखने वाला कहे ये हुसैनी है, देखने वाला कहे हुसैनी है। बेटी जा रही हो, मेरा एक अपना कॉलेज है सैयदा ज़ैनब कॉलेज ऑफ शरिया, वो इस्लामिक कॉलेज है, अभी मैंने रिसेंटली बनाया है, एक ही साल हुआ है, तो अभी भी उसकी कुछ कंस्ट्रक्शन भी बाकी है, पढ़ाई भी है जारी है। तो साथ भी एस्पायर कॉलेज है जहाँ एज अ प्रोफेसर मैं अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। तो ये जब लास्ट दिन मैं आ रहा था वहाँ से, तो मैंने अपनी उन बच्चियों से कहा, मैंने कहा बेटा एक बात आपसे कहूँ, वो कहती सर कहें, मैंने कहा बेटा ये जो आपके सर पे दुपट्टा है ना, ये मेरे हुसैन की बहन सैयदा कायनात की लख्त जिगर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की चादर तहीर का साया है, तो बेटा इस दुपट्टे को कभी सर से उतरने ना देना, उतरना तो दूर की बात है, सिरकने भी ना देना। इतना कहा ना, तो कॉलेज की मॉडर्न बच्चियाँ होती हैं, मैं खुदा की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूँ, उन बच्चियों को मैंने कहा बेटा आप नकाब करें, द्वारा एक मॉडर्न कॉलेज है, ब्रांड का कॉलेज है, तो वहाँ हमने खिताब करते हुए या लेक्चर देते हुए एहतियात भी करनी होती है, ज़ाहिर है उनके कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन हुसैन की बात भी पहुँचानी होती है। ये पहुँचाने पहुँचाने का फ़र्क है, माजरत के साथ बात फिर बढ़ रही है। हज़रत सुलेमान तौंसवी ने रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक सैयदजादे के पीछे नमाज पढ़ी, तो सैयदजादे से होगी गलती, और गलती भी वो होगी शरण जिससे नमाज का इआदा ज़रूरी था, लौटाना ज़रूरी था, दोबारा पढ़नी ज़रूरी थी। अब हज़रत सुलेमान तौंसवी अलैहिर्रहमा सोचने लगे कि सैयदजादा है तो नमाज भी दोबारा पढ़नी है, मसला भी बताना है, दिल भी बचाना है, क्योंकि सैयदजादा जो है अपने इमाम के साथ रवैया रखने वाले मुक्तदियों के लिए जुमला है, दिल भी रखना है, शरीयत भी रखनी है। अब सुने नमाज के बाद जफ़ी डाली, कहता सैयद पाक आज ते ठाठ ही आ गई नमाज पढ़ने दी, चस आ गया, आप बह जाओगे। सैयद पाक दिल करता एक बारी होर ना पढ़ लीए, नमाज की चस इतनी आई है, नमाज एक बारी होर ना पढ़ लीए। सैयद पाक को पता था गलती हुई है, आंखों से आंसू निकलने लगे, कहते हुजूर मुझे पता है गलती हुई है। फरमाया हमसे तो नहीं ना हुई, हमसे तो नहीं ना हुई ना गलती बताने में, नहीं हुजूर आपसे नहीं हुई, ये है मसला बताने का तरीका, मसला भी बताएं दिल भी बचाएं। हाँ जी, मौलवी ना बने, मसला बताएं, सूफी बनाएं, सूफी सूफी क्या बने, सूफी बने। स्वीडन में गुस्ताखी हुई कुरान की, सारी दुनिया ने एहतजाज किया, इस वक्त फर्द वाहिद इस्लाम का शहजादा सैयदी शेखुल इस्लाम ने सोचा एहतजाज से उनको तो कोई लेना देना नहीं है, उनको तो कोई परवाह नहीं है, वो कौन सा हमारे गुलाम है, कौन सा हमसे लेकर खाते हैं। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए बात भी पहुंच जाए, पता भी ना चले। अपने सारे जितने भी बाहर के स्कॉलर्स हैं उनको कॉल की, स्वीडन में जमा हो जाए, स्वीडन में जमा हो जाए, जमा हो गए,
उनके मीडिया से कलवाया कि डॉक्टर तहरुल कादरी स्वीडन में आया था और अजमत कुरान पर खिताब करके गया है। एदा होता है एहतजाज, इसको कहते हैं एहतजाज, बात पहुंचाना। और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैंने इतना कहा, मैंने बेटा जब मैं आपको तकता हूं ना तो क्योंकि मैं आपको उस्ताद हूं, कुछ मेरे हकूक भी हैं, ठीक है, आपके कुछ हालात होंगे, आप मॉडर्न फैमिली से आप बिलोंग करती होंगी और आपको दुपट्टे वगैरह से कोई लेना देना ना होगा, लेकिन बेटा मुझे ना बस मुझे याद आती है अली की बेटी हुसैन की हमशीरा की। तो मुहर्रम का दिन चल रहे हैं, तो बेटा क्या ख्याल है? चिश्ती साहब दूसरे दिन गया, बेटी उन्हें नकाब किया हुआ था, चेहरों पे मास्क लगाए हुए थे, नहीं कहना पड़ा बेटा आप नकाब करें ना, जरूरत नहीं पड़ी, कहना ही नहीं पड़ा, बता दिया, बस अपनी बच्चियों को इतना बता दिया करो बेटा मुझे हुसैन की हमशीरा की याद आती है, ओनो मोहम्मद की अम्मा याद आती है, ओनो मोहम्मद की अम्मा याद, इतना कह दिया करो। बेटियां बड़ी सियानी हैं आजकल की, वो खुद ही समझ जाती है अम्मा क्या कहना चाहती है, लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इज्जत की हिफाजत करें, भाइयों से गुजारिश है बहन को बहन समझें, बहनों से गुजारिश है जो पहले कहा था अपने बाबा का कद ऊंचा करें। पांच बेटे हो ना, पांच बेटे तो पंजियां दी नहीं मन्नी जाती, ती दी मन्नी जाती, बेटी एक हो ना, सही कह रहा हूं ना, बेटी एक हो तो बाप पांचों को इग्नोर करता है, नजरअंदाज करता है, बेटी की मानता है, ये जिगर का टुकड़ा होता है। अच्छा बट बेटियां भी बड़ी लाजवाब होती हैं, घर में थोड़ा सा भाई कुछ कह दे रोने लग जाती है, माँ कुछ कह दे रोने लग जाती हैं, जब पराए घरों में जाती हैं ना, सास ने गमों के तूफान खड़े किए होते हैं, बाप जाता है मिलने के लिए, बेटा खुश है, अब्बा जी कमाल है, कोई कमी कोई नहीं है, अच्छा इतनी इतनी दिलेरी सी कैसे कह देती हैं बेटियां, चिश्ती साहब कैसे कह देती, पता क्यों? क्योंकि अब वो मां बन चुकी होती है। तो ये बेटा माओं की कदर करें, जब आप बनेगी ना बेटा माएं, फिर आपको पता चलेगा माएं क्या होती हैं। तो बहनों का मान रखें, भाइयों का मान बढ़ाएं, जुड़ के रहें, आपस में इत्तफाक मोहब्बत प्यार करें। सैयदी शेखुल इस्लाम के इस नौकर की आखिरी यही तलकीन है, जुड़ के रहना सीखें, जुड़ के रहना सीखें, ये फूट ये तरोड़ ये मरोड़ ये दराड़ें ये तफरके इनको ख़त्म करें, हुसैनी होने का सबूत दें। दुआ फरमाएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना, तू उन पर अपना ख़ास फजल अता फरमा, अपनी रहमतों का साया अता फरमा, इलाहुल आलमीन खसूसन बिल खसूस इस महफिल में, क्योंकि बहनें और माओं की कसीर तादाद है, ऐ मालिक मौला हर बेटी का नसीब अच्छा कर दे, इलाहुल आलमीन हर बेटी का नसीब अच्छा कर दे, इलाहुल आलमीन अपने ससुराल में धक्के खाने वाली बेटियों के नसीब को अच्छा कर दे, इलाहुल आलमीन बेटियों के दिलों को पाकीज़ा फरमा दे, इलाहुल आलमीन हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत का सदका, जिन बेटियों के रिश्तों के मामले चल रहे हैं, घर वाले परेशान हैं, मेरे अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। सजदाए कायनात हज़रत फ़ातिमा तुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौलाए कायनात हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा सलामुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम की मेरे अल्लाह जोड़ी का सदका, मेरे अल्लाह सबको आपस में प्यार मोहब्बत इत्तफ़ाक़ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जिन बहनों के रिश्तों के मामले, मेरे अल्लाह तो अपने गैब के ख़जानों से उनकी मदद फरमा, मेरे अल्लाह जो बहनें बेटियाँ औलाद से महरूम हैं उनको औलाद की नेमत से मालामाल फरमा, मेरे अल्लाह औलाद की नेमत से मालामाल फरमा, और इस महफ़िल में जितने भी या अल्लाह दोस्त मेरे मकरूज बैठे हैं उनको कर्ज से निजात अता फरमा, जो परेशान हाल बैठे हैं मेरे अल्लाह उनकी परेशानियों को आसानी में तब्दील फरमा, इलाहुल आलमीन जिनके रिस्क के मामले में परेशान है मेरे अल्लाह उनके रिस्क में फरवानी अता फरमा, कुशादगी अता फरमा, वसत अता फरमा, इलाहुल आलमीन इमाम हुसैन लजपाल की मोहब्बत से हमारे दिलों को आबाद फरमा दे, आपकी मोहब्बत से हमें शाद फरमा दे, आपकी मोहब्बत से हमें सुरखरू फरमा दे, आपकी मोहब्बत से हमारे दिलों को रोशन फरमा दे, आपकी मोहब्बत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा दे, आपकी मोहब्बत से हमारे दिलों को मुअत्तर फरमा दे, इलाहुल आलमीन हम सबको इमाम हुसैन लजबाल के साथ दिली मोहब्बत और इश्क करने की तौफीक अता फरमा, मेरे अल्लाह मेरे शेख हुजूर सैयद शेखुल इस्लाम को उम्र खिज़री अता फरमा,
आपके तमाम रफका की खैर फरमा, दुनिया भर में बसने वाले आपके तमाम आपके चाहने वाले मुहिब्बीन मुतवस्सिलीन मुतकदीन मेरे अल्लाह, जहाँ कहीं भी आपके चाहने वाले हैं मेरे अल्लाह सबकी खैर फरमा, सबकी झोलियों को अपनी रहमतों से मालामाल फरमा। इलाहुल आलमीन अगले साल इस पाँच रोज़ा दुरुस कुरान को वसत अता फरमा और भाइयों को जौक दर जौक आने की तौफीक अता फरमा, हुसैन की जिक्र और हुसैन की फ़िक्र को अपनाने की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबी अजमाइन बिरहमतिक या अरहम अर रहीम।